हमने आपको एक खबर दिखाई थी, वो खबर थी कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के नाम पर किस तरह से लोग धौंस जमा रहे हैं, और उसका ताना बाना आज देखने को मिला जब दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम पर आज पंजाबी बाग में एक कारोबारी से 10 लाख रुपए की मांग करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद क्या कुछ हुआ आप भी देखिए, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। पश्चिमी जिले के पंजाबी बाग थाना पुलिस ने नीरज बवानिया गैंग का सदस्य बताकर कारोबारी से 10 लाख रुपए के फिरौती मांगने का प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं, जबकि मुख्य आरोपी कारोबारी का कर्मचारी रह चुका है। नाबालिगों के मुख्य आरोपी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई, जहां से आरोपियों ने नाबालिगों को कारोबारी की पूरी जानकारी दी। इसके बाद इंटरनेट कॉल कर नाबालिगों ने कारोबारी से फिरौती की रकम मांगी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं पश्चिमी दिल्ली DCP और विजय गोयल ने कहा है कि मुख्य आरोपी की पहचान अलीपुर निवासी रोहित भारद्वाज, जो कि 28 साल का है, उसके रूप में हुई है। 1 जून को पंजाबी बाग थाने में एक कारोबारी ने गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम पर 10 लाख की रंगदारी मांगे जाने की शिकायत दर्ज की। SHO नरेंद्र सिंह चेहर की अगुवाई में पुलिस टीम ने जांच में पाया कि आरोपितों ने इंटरनेट कॉल के जरिए कारोबारी को धमकी दी थी। पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की और IP एड्रेस के जरिए 2 नाबालिगों तक पहुंचकर उन्हें हिरासत में लिया और फिर शुरू की पूछताछ। तो नाबालिगों ने सब कुछ तोते की तरह उगल दिया। उन नाबालिगों ने बताया कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कारोबारी का कर्मचारी रह चुका रोहित भारद्वाज है। नाबालिगों के मुताबिक दोनों स्कूल के दोस्त हैं। दोनों ने साहिल शूटर के नाम से इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल बनाया हुआ है और वो बदमाशों को फॉलो करते हैं। कुछ दिन बाद दोनों इंस्टाग्राम पर रोहित से बातचीत करने लगे। इसी दौरान रोहित ने उन्हें कारोबारी के बारे में बताया और कहा कि वो उनसे नीरज बवाना गैंग का बदमाश बताकर रंगदारी मांग सकते हैं। पुलिस ने उनके निशानदेही पर रोहित को गिरफ्तार किया है। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक ये लोग कितने लोगों से रंगदारी मांग चुके हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।